बिहार अक्सर चर्चाओं में रहता है, कभी नेता के बयान की वजह से तो कभी पुल गिरने की वजह से, कभी सरकार बनने की वजह से तो कभी ईडी और सीबीआई की वजह से। लेकिन इस बार का मुद्दा थोड़ा अलग है। 2020 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बने। सरकार बनने के बाद जाति आधारित जनगणना का फैसला किया था नीतीश कुमार ने, एक साल बाद पलटी मारी और महागठबंधन में आ गए। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही रहे, अपने पुराने फॉर्मूले पर काम करते हुए जातीय जनगणना का काम चलता रहा और महागठबंधन की सरकार में पूरा हुआ। महागठबंधन सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर राज्य में आरक्षण को बढ़ाते हुए 65% तक पहुंचा दिया था। बिहार के चुनावी बहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने भी अपनी पीठ थपथपाई और इस आरक्षण का क्रेडिट भी लिया। किसी भी दल ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने को गलत नहीं बताया, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट का ये फैसला नीतीश सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन अब नीतीश कुमार एनडीए के पाले में हैं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग को 65% आरक्षण देने वाले कानून को रद्द कर दिया। पटना हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है, यानी अब शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65% नहीं मिलेगा, 50% आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था ही लागू हो जाएगी। दरअसल 65% आरक्षण कानून के खिलाफ गौरव कुमार व अन्य लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, न कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान। ये जो 2023 का संशोधित अधिनियम बिहार सरकार ने पारित किया है वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसमें सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के समान अधिकार का उल्लंघन करता है, वहीं भेदभाव से संबंधित मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस पर लंबी सुनवाई की। इसके बाद 11 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने जाने के राज्य सरकार ने निर्णय को रद्द करने का फैसला सुनाया। बिहार सरकार ने आरक्षण संशोधन बिल के जरिए आरक्षण दायर बढ़ा 65% कर दिया गया। 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को जोड़ दें तो कुल 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। 21 नवंबर 2023 को बिहार सरकार ने इसको लेकर गजट प्रकाशित किया था। इसके बाद से शिक्षण संस्थानों नौकरी में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को 65% आरक्षण का लाभ मिल रहा था। अनुसूचित जाति को दिए गए 16% आरक्षण को बढ़ाकर 20% किया गया था। अनुसूचित जनजाति को दिए गए 1% आरक्षण को बढ़ाकर अब 2% किया गया है। पिछड़ा वर्ग को 12% को बढ़ाकर 18% और अति पिछड़ा वर्ग को दिए गए 18% बढ़ाकर 25% किया गया था। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट के इस फैसले से नीतीश सरकार पर क्या असर पड़ेगा। क्या वो ऊपरी अदालत में हाईकोर्ट में चुनौती देते हैं कि इसे भी ठंडे बस्ते में रखकर सरकार चलाने में मशगूल हो जाते हैं।